हेलो फ्रेंड्स, रीना इजी फूड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे केला मशरूम की सब्जी की रेसिपी। ये रेसिपी बिल्कुल आसान है, आप एक बार बनाकर खाएंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दो केला लिया हूँ, ये कच्चे केला है, सब्जी वाला केला है। एक पैकेट मशरूम, दो मीडियम साइज का आलू, आधी कप मटर। इन सारे सब्जियों को हम सबसे पहले बारीक काट लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बारीक काट कर मैंने तैयार कर लिया हूँ। तो फ्रेंड्स आइए अभी हम इन सारे सब्जियों को सबसे पहले फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई लिया हूँ। कढ़ाई में दो बड़ी चम्मच तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर हमारी तेल अच्छे से गर्म हो चुकी है, अभी हम सबसे पहले आलू फ्राई करेंगे। अच्छे से आलू को मिक्स करेंगे। अभी हम आधी चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से आलू के साथ मिक्स करेंगे। अभी हम ढककर 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे हमारी 3 से 4 मिनट हो चुकी है, मैंने बीच बीच में 2 बार ढक्कन हटाकर चला लिया था। और ये हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम एक प्लेट लेंगे और आलू को निकाल लेंगे। इसी तरह हम केला फ्राई करेंगे, केला को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम आधी चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको भी हम 3 से 4 मिनट ढककर पका लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं, केला भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसी प्लेट में ही केला को भी निकाल लेंगे और इसी तरह सारी सब्जियां फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी सब्जियां फ्राई कर लिया हूँ, केला, मशरूम, आलू, मटर। तो फ्रेंड्स आइए अभी हम मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का आलू, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, 2 मीडियम साइज के टमाटर, इन सारे को हम पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया हूँ। अभी हम उसी कढ़ाई में ही सब्जी तैयार करेंगे। तो आइए अभी हम एक बड़ी चम्मच तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अभी हम आधी चम्मच जीरा डालेंगे, आधी चम्मच सरसों, 1 लाल मिर्च, 5-6 कड़ी पत्ता और इन सारे खड़े मसाले को अच्छे से रोस्ट होने देंगे। तो यहाँ पे हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अभी हम लेंगे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट और इनको भी 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, हल्का कलर चेंज होने तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज में अच्छे से कलर आ चुकी हैं। अभी हम लेंगे सूखे मसाला, यहाँ पे हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सारे सूखे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज के साथ और यहाँ पे 1 मिनट तक मैंने सूखे मसाले को अच्छे से भूंज लिया हूँ। अभी हम लेंगे टमाटर के पेस्ट और अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अभी हम ढक कर 1-2 मिनट पका लेंगे। यहाँ पर 1-2 मिनट हो चुकी हैं, टमाटर मसाले के साथ अच्छे से पक चुकी है। अभी हम लेंगे 2-3 चम्मच दही और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे दही अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो चुकी है। अभी हम 1-2 मिनट और पका लेंगे। यहाँ पे 1-2 मिनट हो चुकी हैं, दही और मसाले अच्छे से पक चुकी हैं। अभी हम लेंगे आधी कप पानी और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम दोबारा ढककर 2-3 मिनट पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2-3 मिनट हो चुकी हैं और मसाले अच्छे से पक चुकी हैं। मसाले में तो बहुत अच्छा खुशबू आने लगी है। अभी हम लेंगे फ्राई किए हुए सब्जी और मसाले के अंदर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हूँ। अभी हम सब्जी को मसाले के साथ 2-3 मिनट अच्छे से पका लेंगे।
यहाँ पे 2-3 मिनट हो चुकी हैं, मसाले के साथ सब्जी अच्छे से पक चुकी हैं। आप चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं सब्जी को। मैं यहाँ पे आधी कप पानी डालूंगी और अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जी को। पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, आपको जैसे भी पसंद हो। अभी हम दोबारा ढककर 2-3 मिनट पका लेंगे। यहाँ पे 2-3 मिनट हो चुकी है और सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी हम लेंगे आधी चम्मच गरम मसाला और अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स करेंगे और ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आइए अभी हम गैस को बंद करते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गर्मा गर्म सर्व कर लिया हूँ और ये देखिए कितना बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, केला मशरूम की सब्जी। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देखिए कितना बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल, किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। और आप इस सब्जी को सफ़र में भी ले सकते हैं। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।